दोस्तों देख सकते हैं अभी पलक इतना काटना है, तो मसला मारने के लिए इतना पलक काट के बॉयल करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं अभी फायर दे दिया है हमने, पलक को जो है बॉयल में बढ़ा दिया है। इसे अभी बॉयल होना देंगे 20 मिनट के बाद में, बॉयल होने के बाद दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं पलक हमारा बॉयल हो चुका है, देखें पलक जो है तंदूरी का पेस्ट मारने के लिए बॉयल हो चुका है। अभी इसका फ्लेम को करेंगे ऑफ कर दिया है हमने। अभी देखें और क्या क्या इसके साथ में ऐड करना है। इसके साथ में दोस्तों देखें एक जगरी जो है हमने तोड़ के पानी में भिगो दिया है। दोस्तों देख सकते हैं ना, एक जगरी हमने पानी में भिगो दिया है। और जो है देखें वेंदे आम विनेगर एक सीड जो है हमने पानी में भिजो के रख दिए हैं, देख सकते हैं ना। अभी लिए हैं केला, देख सकते हैं बनाना, ये बनाना जो है पेस्ट में लगेगा। और मास्टर आइल देख सकते हैं ना, मास्टर आइल, और ये सब मिक्स करेंगे और पेस्ट करेंगे और तंदूर का जो अंदर लगाएंगे वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तंदूरी का अंदर जो मसाला मारेंगे, अभी पालक बॉयल हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है, देख सकते हैं। ये लेंगे पालक, पेस्ट कर रहे हैं, देखें ऐसे पालक ले लें, पालक ले लिए। ये देखें मेथी का दाना जो है देख सकते हैं ना, ये भिगो के रख दिए थे, अच्छी तरीके से भिग चुका है। अभी ये मेथी का दाना लेना है, हाँ मेथी का दाना ले लिया। अगला बनाना, मस्टर्ड ऑयल, दोस्तों मस्टर्ड ऑयल देख सकते हैं, थोड़ा सा ले लें, फिर बाद में लेंगे, अभी थोड़ा सा लिया है। अभी इसे पेस्ट करके दिखाते हैं। देख सकते हैं अभी हमारा पेस्ट हो चुका है। ये डालेंगे अभी एक पात्रम में, उसको देखें ऐसे ही पेस्ट कर लेना है। दोस्तों सेकंड टाइम देखें दोस्तों पेस्ट हो चुका है हमारा, ये डाल दिया हमें। अभी डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा नमक, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और देख सकते हैं दोस्तों गुड़ है, अरे ना क्रूड ऑयल, गुड़ पुनी जगरी पुनी क्या चीज है दोस्तों, देख सकते हैं नमक, नमक दोस्तों। अभी आप बेकिंग पाउडर, जल्दी जल्दी माओ, जल्दी जो है बहुत जल्द ये फूल के उठेगा बेकिंग पाउडर। मैंने यहाँ पाउडर पड़ना बंदे हम पूरा वो चुके अरे आ चुके अंदर मारने के लिए पलक पेस्ट। अभी ये हांडी में डाल के रखेंगे, देखा उल्स आना चालू हो चुका है, इसे ढक्कन लगा के गर्म जगह पर रखें, बाद में 2 घंटे के बाद इसे अप्लाई कर सकते हैं। 1 दिन कम से कम रखने के बाद अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अभी तंदूर का रोटी दिखाते हैं, इसे भी अप्लाई करना है, देखा अभी ये नया तंदूर है इसमें अप्लाई करना है, देख सकते। दोस्तों देख सकते हैं बबुल साथ ऐसा वाला कॉटन का ग्लास में, एक कॉटन का ग्लास में इसका अंदर डालना है, हमने अंदर डाला है कॉटन का ग्लास, अंदर डाला है। अभी जो है तंदूर का अंदर मसाला मारने वाले ऐसे ऐसे पकड़ लिया है हमने, देख सकते हैं हल्का ऐसे करना है, ऐसे ग्लास तक अंदर सूख जाएगा, तो ऐसे 2-3 बार मारना है, उसके बाद में कोयला डालना है, बहुत ही मस्त बन के तैयार हो जाएगा।
मछली आप लोग मारे नए तंदूर में। दोस्तों देख सकते हैं ऐसे मसाला,